हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो ये मैंने मसूर पुलाव बना लिया है और ये क्लास की रेसिपी है मेरी, और अब इसे लंच में खाने भी वाली हूँ। केक बनने के लिए रख दिया है क्योंकि शाम को सकीना का बर्थडे है। सो लाइट ऑफ कर दी मैंने और मैं अपने रूम से निकल आई। मेरा शूटिंग हो गया और यहाँ कोई खाना भी शुरू कर दिया है। कैसे लगा? रियली 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 टेस्टी। इसीलिए तुम्हारे पप्पा जंगल में ढूंढ रहे थे मसूर बिरयानी, मसूर पुलाव। अलग के पप्पा, हम लोग ने बोले हम लोग बनाए तो जंगल में इसके पप्पा ढूंढ रहे कहीं मिल जाए मुझे भी मसूर पुलाव या मसूर बिरयानी। मसूर पुलाव बिरयानी जब कांच का ग्लास नहीं यूज़ करते हैं तो फिर फलक जी बोलते प्लेट और ग्लासेस ओनली फॉर गेस्ट। तो फिर मैंने तब से निकाल ली ये सारी प्लेट्स मेरे डिनर सेट की, और सारी प्लेट्स मैं घर में यूज़ करती हूँ। अभी ग्लास भी निकाले, वैसे ग्लास काफ़ी कुछ टूट भी चुके हैं, इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। ग्लास इसमें के ये सब सेट के 4 है, किसी में 5 है, तो अभी सब मैंने निकाले हैं ग्लासेस। वैसे तो हमारी मसूर बिरयानी रेडी है। दिस इज़ योर फलक पहले ले चुके, ये मैंने फोटोग्राफी कर रही थी ज़रा आप लोगों के लिए, तो अब मैं भी खाऊंगी, बैडली हंग्री। खाना वाना खा के बहुत ही गज़ब का टेस्टी हमारा मसूर पुलाव बना था, ये हमने खाया और आहा, फ्राइड अनियन के साथ तो इसका मज़ा ही अलग है। तो बहुत मज़े लेकर मैंने खाया, और मेरे हस्बैंड बहुत मिस करते हैं मेरे हाथों का मसूर पुलाव। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ उनको ना बताऊँ, वरना वो टेम्पटेशन हो जाता है उनको। तो हमने बहुत मज़े लेकर खाया, हाँ सच में बहुत मज़े लेकर खाया। तो ये मेरी क्लास है ना, बिरयानी क्लास, नॉनवेज बिरयानी क्लास है, वो उसका मैं रेसिपी बना रही और हम सकीना सेलिब्रेट करने के लिए मिले। तो मैं कैसी लग रही हूँ, हमने भी 2-4 फोटो खींचे ऐसे सबके साथ में मिल। हैप्पी बर्थडे, मैं बड़ा पिक कर रही हूँ। ओ भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, खा नहीं। मैंने अभी टूटी फ्रूटी डाली, सुन तो सही। कुछ प्रॉब्लम है? राशिद आ गया, तू आ गया, मैं आज नहीं आने वाली। कल फ्री है क्या तू? ये हमारी क्लास फेलो है जायदा, एक मेरा मत लेगा ना प्लीज। मैं बोल, अच्छा ठीक है। तो सबसे खूबसूरत और दुबली पतली सी हमारी फ्रेंड है, लोगों को पता चलने दे हम अभी भी यंग है। अरे खिला रहे, मुंह भर के खिला उसका, वो पार्लर है उसका, मुंह साफ कर दे। देख कैसे कर रही है सकीना, मुंह पे लगा उसके जरा गनाश, चॉकलेट मसाज, उसको पता है चॉकलेट फेशियल क्या होता है, लगा दे रियल चॉकलेट फेशियल। देख की भी नहीं, देख हाथ थोड़ा सा, देख अभी तेरा रियल चॉकलेट फेशियल हो गया। अरे उसके मुंह पे भी नहीं लगाई, जायदा के मुंह पे, उसको भी तो दे रियल चॉकलेट फेशियल। देख तू पोल मत कर, उसने कोई मेकअप नहीं किया है। असली माल राशिद लेके बैठ गया। वालेकुम सलाम। नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा पीस दे देना, मुझे नहीं चाहिए, मैं खा लूंगी। तू घर लेके जाए नगी, मेरे बेटे को पसंद है। हाँ मुझे मत दिखाना। अरे ऐसा नहीं, तू भी खा ले जा बच्चे के लिए, कि मैं नहीं खाऊंगी बच्चे के लिए ले जाऊंगी। राशिद उसको एकदम चाट चाट के खा ले गनाश को। वो पुलमी अब केक का नो पुलमी हो गया। हाँ वो था, वो भी घर लेके जाएगा। अच्छा वो भी घर लेके जाएगा, नहीं क्यों? बिल्कुल। ये हमारे पुलमी केक को हम थोड़ा सा, फलक की स्कूल में क्लासेस ले गई थी ना, तो जरा सी वो हो गया, जम गया। हेलो, सिल्वर फॉइल है? हाँ सिल्वर फॉइल में डाल के दे देना, हाँ ऊपर से पूरी बना दे। बिना बुलाए आ जाते तो हम लोग सकीना के, हम बिना बुलाए आ गए, तो वो है मसूर पुलाव। सकीना ने बिरयानी बनाई है, ऐसे आहिस्ते से बोली मैंने ना बिरयानी बनाई हूँ। मैंने बोली चल मैं आ रही हूँ।
तो अख्तर लेकर आए हैं सकीना के लिए गिफ्ट माशाल्लाह। अरे अभी इसको फाड़ दे। अरे वाह, ओ वाओ, दिखाइए तो। अरे बाबा, ओ माशाल्लाह, मस्त माशाल्लाह। ये तेरे घर पे हम लोग आए थे, ये ऊपर वाला, ये तो अभी का है ना रे। आज का भी फोटो डाल दिया। अरे जब ही कहिए, ये हम सब फ्रेंड्स, ये सकीना उसके हस्बैंड, सकीना के, ए सकीना इसमें तो गोलू पोलू लग रही है थोड़ी सी। और ये सकीना का बर्थडे, और ये मैं हूँ यहाँ पर येलो में। इसमें ना अपन सब है, सब है इसमें। हाँ इसमें हम लोग सब है। हाँ अरे वाह माशाल्लाह, मोहम्मद की तो अलग से एक फोटो लगाया है भाई। ओहो बहुत अच्छी बनाया है भाई, माशाल्लाह। देखो ऐसे ही होते हैं बच्चे, एक मसूर बिरयानी रखी है, पुलाव, एक बिरयानी, चिकन बिरयानी है, और बच्चा क्या खा रहा है, केलॉग्स चोकोज। तो ये बिरयानी मैं लेके आई हूँ, ये सकीना ने बनाई है। सकीना तूने बिरयानी बनाई? नहीं, बटिया रहने हाँ बर्थडे के दिन मेहनत नहीं ना? नहीं नहीं, मैं जिस दिन पैदा हुई उस दिन मैं काम नहीं करती हूँ। और अब गिफ्ट आ चुके शम्स, और वो उन लोग को, बच्चे लोग को दी ऊपर। अल्लाह, अरे बच्चा थक गया ना। ओके फलक, चलो हेल्प योर सेल्फ, खा लो खा लो। फलक मुझे बोल रही मम्मी क्लासेस से आने के बाद मुझे भूख लगी है, और आप और सब लोग नीचे बैठे, हम लोग ऊपर बातें कर रहे हैं। मैंने बोला अरे भूख लगी है, तो बोले हाँ बहुत जोरदार लगी है भूख। लेकिन दोनों ये के ड्रामास, ये दोनों भी के ड्रामास है, के ड्रामा फैन, आर्मी। फलक ऐसे फायदा, आंटी हमारे सामने क्लास कर लो, ठंडा पानी उसके यहाँ से ले आओ, बोल दे गर्म। इधर से फलक जाओ, इनायत को बोलो, इनायत दीदी, वो दीदी है मालूम, वो भी तुमसे कॉलेज वाली है, वो उसकी बेटी, लेकिन एकदम छोटी सी बेबी लगती है ना रे। वो भी तो बेबी है, वो ज़ायदा भी बेबी ही है। क्या मस्त है बिंदा से, हाँ ज़ायदा भी एकदम मस्त। और कुछ मुझे कमेंट्स भी आए कि जो सकीना को जानते हैं, सकीना के फ्रेंड्स हैं, वो लोग ने भी मुझे मैसेज किया, और उसमें से कुछ ने मेरी क्लासेस भी ली। यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार होकर चश्मा, तेनू काला चश्मा, क्योंकि मेरी सोर आईज आई हुई है। तो फलक की एमटी में, महेश ट्यूटोरियल में ओरिएंटेशन था, बच्चे कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाना है, क्या टाइमिंग होगा, कैसे कपड़े पहना के भेजना है, वो सब उन लोग बताते हैं। तो बस सारा कुछ उन लोगों ने बताया, तो वो अटेंड किया मैंने, और बस अब थोड़ी सी आँख मेरी ठीक है। मैंने किसी को भी आँख नहीं मारी यार, ये तो ऐसे ही आ गई। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, इसके लिए सॉरी। तो जो मैंने शूट किया है वो मैं ज़रूर शेयर कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन ये मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से जल गया है, और ये ऐसे जला है जिसमें पानी वाला छाला नहीं आया है, ये सब ब्लड ऊपर आ गया है मेरा। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ इट, बट ये पूरा मेरा ब्लड ऊपर आ गया। पहले मुझे लगा ये लिपस्टिक है, क्योंकि मैंने जिस दिन मसूर पुलाव खाया था, शायद अभी शूट करके आपको डाला नहीं है, पोस्ट नहीं किया, तो वो हम फिर शाम को सकीना की बर्थडे थी, हम वहाँ चले गए पार्टी में, और मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ तो बहुत दुख रहा है। मुझे लगा कोई चीज़, लगता है मस्ती में किसी से चीज़ में दब गया है, कुछ हो गया, मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा था, तो मुझे लगा लिपस्टिक लगी है हाथ पे। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी लिपस्टिक थी, तो मैंने सोचा मेरी लिपस्टिक जो है वो वैसी वाली है, मैट लिपस्टिक है, और वो लिक्विड से ही निकलती है, इरेजर से, इरेजर क्या कहते हैं उसे, क्लीनर, या जिससे लिपस्टिक निकालते हैं ना, वो वाले से, वो ऐसे नहीं निकलती है, हाथ साबुन से भी धो तो निकलती नहीं, वाटरप्रूफ वाली। मुझे लगा वो है, बाद में पता चला कि ये मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से जल रहे हैं। मैं शूट की हूँ वो डालूँगी, यहाँ पे अभी नहीं दिखा रही हूँ, लाइट वाइट ऑफ करके अभी बैठी हूँ, मुझे फलक को स्कूल लेके जाना है अभी। तो बहुत डांट पड़ी, और मेरी बहन ने पूछा जैसे ही फ़ोन पे, क्या हुआ फलक? ने बोली तबीयत ठीक नहीं। अरे मैं इतना भों भों करके रोई, ट्रस्ट मी, मैं बहुत रोई, मैं
जैसे नहीं मम्मी बच्चे को पूछती क्या बेटा क्या हुआ, तो बच्चे रोने लगते हैं उसने मुझे मार आया था कहता था, वैसे ही मैं भों भों करके रोने लगे, मेरा हाथ जल गया, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने इंडक्शन के ऊपर खाना पकाते टाइम पतीली को पकड़ लिया, पैन को पकड़ लिया था। मेरी बहन बोली ऐसे करो तुम घर पे आ जाओ, इधर आ जाओ, चल दो दिन छुट्टी कर स्कूल की, चल आ जाओ जल्दी अमीरा रोड आ जाओ, चल छोड़ दे जल्दी से रिक्शा ले, जो ड्रेस पहनी है वो छोड़ और दूसरा एक साथ में लेके आ जा, ऐसे मेरी बहन बोली। मैं बोली नहीं नहीं क्लासेस ज़रूरी है, टेंथ में है फलक, अब मैं इधर उधर नहीं जा सकती। तो हाँ मेरी बहन लोग फ़ोन करते और पूछते क्या हुआ, अगर मुझे कुछ दुख हो रहा है तो मैं भों भों रोती हूँ। चलो अब 6:30 बज गया है और अब फलक को क्लास मतलब नाश्ता खिलाने का टाइम हो गया है कि नाश्ता खिलाओ फटाफट, वो भी एक टास्क है। लेकिन अभी फलक को मैं ऐसे अभी कल फ्रूट नहीं खा रही थी हाँ, तो मैंने ऐसे हाथ से लिया और ऐसे दिया, लो खा लो फलक। तो फलक बोली नहीं मुझे नहीं खाना है, तो मैंने बोला मेरा हाथ दुख रहा है अगर तुम फ्रूट नहीं लेगी तो। बोली अभी तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे मेरा हाथ दुख रहा है, मैं ये वाला हाथ से लेफ्ट हैंड से मत दो ना राइट से दो ना। मैंने बोली लेफ्ट से दो या राइट से दो, खाना तो तुमको है ही। तो चलो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो क्लिप मैंने शूट की थी वो मैंने डाल दी है, पर हाँ थोड़ा सा हाथ दिख रहा है अभी, मैं वो अगर मैंने डिलीट नहीं की हूँ ना, मैंने डिलीट इसलिए कर दी थी कि यार दुख होता है देख के, तो मैं ज़रूर डालूंगी। अभी इसमें ना ये सब जो है ना, ये रेड इतना दिख नहीं रहा आपको, ये रेड जो है ना ये सब खून ऊपर आया है, इसमें भी और इसमें भी और साइड की फिंगर्स पे भी मेरे ना वो पता नहीं क्या किया मैंने, इसलिए मुझे डांट भी बहुत पड़ी कि क्या करते हो कभी। लेकिन कभी कभी मैं कुछ काम करने लगती हूँ ना, मैं ध्यान नहीं देती कि अरे छोड़ना यार लग गया थोड़ा सा लग गया, और बहुत ज़्यादा लग गया। लाइट जला, चलो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, 2 मिनट बैठो, एक्टिंग बिना It's so much of it. बेटा इतना कूट के मारूंगी ना। It's hard legs. तो क्या करूं? Back straight, back straight. Drink. It's hard legs. बेटा मैं मेरी आंखें दिखाई दे रही है ना गुस्से में, चुप करके पियो, टिफिन नहीं रखे। You didn't say there is tiffin over there. जल्दी फलक, बेटा अभी सब फ्रेंड्स को पता चल गया कि फलक का दांत मम्मी घसाते हैं, अभी सबको पता चल जाएगा कि फलक हॉर्लिक्स पीने के लिए भी इतना की करती है। एवरीबडी डज, सब पराठा खा के जाते हैं तुमको मालूम है, और तुमको अगर एक से दूसरे दिन पराठा खिलाओ तो इसे एवरीडे आई ईट पराठा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, आंखें मेरी ठीक है, कल तो मैं चश्मा लगा कर गई थी, काला चश्मा। फलक के पापा बोले अरे इतना सारा चश्मा है तुम्हारे पास, कभी तो यूज करो, आंखें आई है कम से कम इस बहाने तो चश्मा लगा के पैसे वसूल करो। मैं कहा ठीक है, कैसी लग रही मैं ड्रेस, ये मेरा प्याजी कलर, इट्स ऑनियन कलर फलक, और इट्स व्हाट कलर विच कलर, ग्रे, This is grey. Yeah. This is grey. Mister. मैं कुछ बोल रही थी, which is not good. So, this is my eyes. ठीक है, हाँ हो सकता है कि वीडियो देखने से तुम्हारी आंखों में भी sore eyes आ जाए। दिखा भी है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, but ये सारा बहुत blood फलक, all my fingers कैसे blood side में आ गया है, दिख रहा इसमें इतना नहीं दिख रहा है ना। It's not visible in this, no? That much. Very slight it's showing. But और ये finger की tops है ना, ये देखिए, ये दिख रही है, हाँ अभी थोड़ी सी दिख रही है ना फलक कैमरे में, सी नाउ इट्स लिटिल विजिबल। हाँ चिप्स हाथ में आ गई, बोलो सुबह सुबह चिप्स कैसे आई हाथ में तुम्हारे, अभी तो दूध पीने के लिए it was smelling this and that, हाँ चलो ये ना लाइब्रेरी की बुक अभी पढ़ना बंद करो, दसवीं की मम्मी के बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं दसवीं की मम्मी के बच्चे नहीं
दसवीं के बच्चे की मम्मी क्या बोलती है, लाइब्रेरी से कोई भी स्टोरी बुक्स लेके आने की जरूरत नहीं। कौन सी बुक ये क्या है बुक? चिकन सूप एंड फॉर दी सोल ओल्डर एंड वाइज। चिकन सूप फॉर दी सोल, चिकन सूप फॉर, हाँ चिकन सूप फॉर दी सोल ये वाली बुक है। तो ये बुक में है क्या? Nothing is a psychology book. It has short stories. And it's a psychology book helps short stories. And it's really good. And it's really good. I will suggest. She will suggest. I will suggest not to give anything like this to your kids because when they are in 10th, ye sab phaltu ki cheeze nahi padhi. Full week I did not read it and I have to give it back today. नहीं पढ़े? अच्छा बहुत अच्छी बात है आपने नहीं पढ़े। चलो अभी